इस टाइप से है, बहुत ही प्रिटी, ये तो बहुत कम रेट में मिल जाता है, कैसा भी आप शेप दे दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग, और मैं हूं प्रतिमा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा टाइटल बता रहा है कि मैंने किचन से रिलेटेड कुछ शॉपिंग की है जो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करने वाली हूं, तो जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। फर्स्ट जो आइटम है वो है ये बास्केट। इसको बास्केट बोल लो या इसको कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम बहुत सारे शेप्स दे सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने अभी ये शेप दिया हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से प्रेस करूँगी तो ये ऐसा शेप में आ जाएगा। बाहर से थोड़ा सा नॉइज आएगा तो आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। ओके, सो ऐसा शेप दूंगी तो ये शेप दिखेगा, देन ऐसा थोड़ा सा और इसको अंदर की तरफ डाल दूंगी तो ये ऐसा शेप होगा। इसको हम एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने कोई अपना वास रख लिया और फ्लावर्स लगा दिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। या फिर इसको आप इस तरीके से यहाँ से दो थ्रेड से डाल के और इसमें कुछ भी प्लांट डाल दीजिए, मनी प्लांट वगैरह, और हैंग कर दीजिए ऊपर तरफ, वो भी अच्छा लगेगा। या फिर आप इसमें फ्रूट्स रख सकते हैं किचन में, और या फिर इसको अगर आप बिल्कुल ऐसा फ्लैट कर देंगे तो इसमें गर्म आप कुकर वगैरह होता है ना, कढ़ाई वगैरह होता है, तो वो भी रख सकते हैं। ये ऐसा भी अच्छा लगता है, एज अ फ्रूट बास्केट भी अच्छा लगता है, और कैसा भी आप शेप दे दीजिए बहुत ही अच्छा। अच्छा, क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी। स्टेनलेस स्टील का है ये। वैसे तो जब मैंने इसको अमेजोन पर देखा था तो उसमें रोज़ गोल्ड लिखा था, तो मैंने वही सोच के ऑप्ट किया कि रोज़ गोल्ड कलर में ये आएगा, बट ये स्टेनलेस स्टील में आया और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा। वो बोले कि नहीं यार, ये अच्छा लग रहा है, इसको रख लो, क्योंकि जब हम गरम वगैरह चीज़ इस पर रखेंगे, कभी उस काम में मैंने लिया तो ये ख़राब नहीं होगा, राइट। तो ये मस्ट बाय, इसलिए इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे डाइनिंग पे रख लिया आपने इसको, या फिर आपने किचन में रख लिया, तरह तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसको है ना, आप ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हो, इस टाइप से आप ऐसे रख लीजिए। इसमें बहुत सारे नेल पेंट्स वगैरह डाल सकते हैं, या फिर क्रीम की बॉटल्स वगैरह डाल सकते हैं, बहुत सारा शेप दे दे के आप इसे सजा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट मैंने लिए हैं दो हैंगिंग ये बास्केट्स, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आए। सारे जितने प्रोडक्ट अभी बताऊँगी ना, बेस्ट क्वालिटी आपको बताऊँगी। तो ये जो है ये कॉम्बो पैक में नहीं था, मैंने दो लिए हैं, 600 समथिंग कुछ के दो आए हैं। सो अभी मैंने जिस रेट पे लिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसी रेट पे मिले। कई बार इसकी लाइटनिंग डील चलती रहती है तो बहुत कम रेट में मिल जाता है, कई बार नॉर्मल रेट में भी मिलता है, बट ये मुझे रेट के हिसाब से बेस्ट लगे। तो विंडोज़ पे या फिर आप किचन के कैबिनेट्स में इसको उस तरीके से हैंग करके इसमें ऑयल कैंस रख सकते हैं, या फिर आप इसमें किचन टॉवल्स रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या फिर डिश वॉशिंग लिक्विड वगैरह रख सकते हैं और वो हैंग रहेगा। मेरे किचन में क्या ज़्यादा जगह नहीं है, तो मुझे ऐसे कुछ चीज़ चाहिए थी जो मैं हैंग कर दूँ विंडो पर और उसमें काफ़ी चीज़ें मैं रख दूँ। तो उस हिसाब से लिए मैंने ये दो, और ये ब्लैक कलर में है, मैं मुझे वाइट नहीं दिखा, वैसे तो मैं वाइट काफ़ी सर्च कर रही थी बट नहीं दिखा, तो मैंने ये ब्लैक में लिया है। नेक्स्ट है काफ़ी बड़ा सा, वो है ये कढ़ाई, और ये कढ़ाई मैंने बिग साइज़ की ली है। आपको मैं पूरा इसके बारे में बताऊंगी। इसके साथ ये फ्यूचरा है, ठीक है, और ये इसके साथ बुक भी आई है, तो आती है इसके साथ ना। ये है वो कढ़ाई, ये देखिए आप, इस टाइप से है, और इसमें जो लिड है वो स्टेनलेस स्टील का लिड है। इसमें ये जो नॉब दिया हुआ है, जो नॉब बोल सकते हैं इसको, ये वुडन दिया है, बहुत ही अच्छा है, काफी मतलब ऐसा पतरे जैसा कुछ नहीं है, अच्छा क्वालिटी है, और एनोडाइज्ड है ये, हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई। और ये कढ़ाई मुझे काफ़ी समय से चाहिए थी, लेकिन होता है ना, हम किचन का जो कुकवेयर्स हैं, हम धीरे धीरे
कलेक्ट करते हैं। मैं धीरे धीरे अपने एल्यूमिनियम प्लास्टिक ये सब कुछ हटा रही हूँ अपने किचन से। और ये मैंने इसके बारे में सर्च किया, हार्ड एनोडाइज्ड क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो यस ये अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। कोई भी इसके ड्रॉबैक्स नहीं मुझे पढ़ने में आए, तो मैंने इसे फटाफट से ले लिया। और ये ना बहुत इजी टू क्लीन होता है, पीछे की तरफ से ऐसा दिखेगा बहुत ही अच्छा फिनिश में। और ये आपको उसके बारे में बताती हूँ मैं कि ये 4.06 mm थिक है, खाना इसमें जलता नहीं है। 30 cm डायामीटर का है ये, काफ़ी बड़ी कढ़ाई है तो मुझे बड़े साइज़ की कढ़ाई चाहिए थी। इसके जो हैंडल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील में है और इसमें वुडन हैंडल ऐसे दिया हुआ है ताकि ये गर्म ना हो और आप इसको खाना बनाते हुए होल्ड कर लें और अच्छे से बना सकते हैं। सो ये मस्ट बाय मुझे लगा। इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा था 1855 का और इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा ऑफ मुझे मिला नहीं, बट मैंने ये ले लिया। और लोकल मार्केट में भी यही रेट में मिल रहा था, वो भी कुछ कम नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही ले लेती हूँ, कौन मार्केट जाएगा इसको लेने के लिए। ठीक है, तो ये विथ लिड आया है, बहुत अच्छी ये कढ़ाई बहुत ही परफेक्ट लगी। सिमिलरली ये कढ़ाई भी मैंने ली है जो कि डीमार्ट से मैंने ख़रीदी है। ये है 2.5 लीटर्स की, क्योंकि मुझे एक छोटी कढ़ाई भी चाहिए थी। हार्ड एनोडाइज्ड ही है और ये इसका स्टिकर का मार्क है, अभी मैंने इसका स्टिकर निकाला है। ऐसी कढ़ाई मेरे पास पहले भी थी, छोटी थी, बहुत ही छोटे साइज़ की, वो बहुत टाइम तक चल रही है, अभी भी चल ही रही है और उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं। सो मैंने इसे फट से ले लिया और ये 595 की मुझे पड़ी है, इंडक्शन फ्रेंडली भी है। ऐसे धीरे धीरे हम किचन का सामान जो है ठीक करते जा रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ जो धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ अपने जो पुराने या ख़राब चीज़ें जैसे एल्यूमिनियम वगैरह हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, तो वो धीरे धीरे हटा रही हूँ। नाउ ये लोकल मार्केट से मैंने लिए हैं ग्लासेस। क्या हुआ था, लंबे ग्लासेस थे मेरे पास और वो है ना अक्सर जरा से उसमें गिर जाते थे और टूट जाते थे। मुझे ऐसे कोई ग्लास चाहिए थे जो जिनका साइज़ बहुत लंबा ना हो, प्लस उसका जो कांच है ना थोड़ा सा मोटा होता है ना, मतलब थोड़ा क्या बोलेंगे, डेलिकेट भी लगे देखने में, प्रिटी भी लगे, प्लस थोड़ा सा कांच एकदम पतला सा ना हो। तो ये मुझे लोकल मार्केट में मिले। अगर मुझे ऑनलाइन या अमेज़ॉन पे इसकी लिंक मिली, अवेलेबल हुए, तो मैं आप लोगों के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। तो ये ग्लासेस देखिए, ये इतने सुंदर मुझे ग्लासेस लगे, बहुत ही प्रिटी, इस टाइप से इसमें से डायमंड डायमंड से बने हुए हैं, डिज़ाइन बनी हुई है। और ये 6 के सेट में मैंने लिया है, 6 ग्लासेस लिए हैं मैंने, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यही सब चीज़ें मैंने अभी किचन के लिए नई ली है, जो कि मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं और बताऊं कि ये कैसी मुझे लगी क्वालिटी में भी, और जिसमें मुझे ये और ये वाला जो बास्केट है और ये जो हैंगिंग बास्केट है ये मस्ट बाय है। कढ़ाई तो आपकी चॉइस है, आपको लेना हो तो आप ज़रूर इसमें ट्राई कर सकते हैं। फ्यूचरा इस टाइप का मेरे पास है ना, हॉकिंस का वो क्या बोलते हैं कुकर भी है, बहुत सालों पुराना, आई थिंक उसको 13 to 14 ईयर्स तो हो ही गए होंगे आराम से, और वो अभी तक चल रहा है, बहुत ईजी टू क्लीन रहता है और बहुत टाइम चलता है। तो मैंने सोचा कढ़ाई लूँगी ना, तो वो भी यही लूँगी, हार्ड एनोडाइज्ड है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत तरह तरह की वीडियोस मैं लेके आती हूँ आप सभी के लिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।